I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अब यहां औरतों की तरह सर पकड़ कर बैठने से क्या फायदा? केस तुम लोग खराब करते हो और बदनाम होता है वकील। हर बात पे इस तरह सर हिलाने की क्या जरूरत थी? दरअसल बात यह थी वकील साहब, मैं परेशान हो गया था। परेशान हो गया था? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वहां किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? बताया तो था, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी जरा सी गलती ने मुझे डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, एंड दैट्स द पोजीशन आई हेट, आई डोंट लाइक इट। अब होगा क्या? होना क्या है? अब होगा ये कि कल सुबह बच्चे को कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं वकील साहब, लकी अदालत में नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। मुझे ये केस जीतना है। आपको ये केस लकी को अदालत में लाए बगैर ही जीतना होगा। ज्योति देवी, जरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लीजिए। थैंक यू। हाँ तो ज्योति देवी, ना तो मैं ड्रामा कंपनी का आदमी हूं, ना टीवी प्रोड्यूसर और ना ही म्यूजिक डायरेक्टर, लिहाजा मेरे हर सवाल का जवाब टू द पॉइंट और साफ साफ दीजिएगा। अलिफ लैला की कहानियां सुनानी शुरू मत कर दीजिएगा, इससे एक तो अदालत का वक्त जाया होगा, दूसरा मेरा भी, और आप तो वैसे भी ओवर कमिटेड हैं। आप जानती हैं कि एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी में पति का क्या दर्जा होता है? जी हाँ। पति परमेश्वर कहलाता है, भगवान का स्थान दिया गया है उसे, क्या इस बात से आप इनकार करती हैं? जी नहीं। फिर भी आपने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार किया, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं ऐसा हरगिज नहीं करती, मगर मगर आपके शौक ने आपको मजबूर कर दिया, इसलिए कि आपका शौक आपको घरेलू जिंदगी से ज्यादा अजीज था। Am I right? मैंने तो सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि औरत बलिदान और कुर्बानी का दूसरा नाम होती है, और वैसे देखा जाए तो आपने भी ऐसी एक मिसाल कायम कर दिखाई है। जी जी हाँ, शायद आप भूल रही हैं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है आपने, अपने घर की, अपने बच्चे की और अपने पति की, और ऐसा करके बरसों से चली आ रही इस परंपरा को आपने खाक में मिला दिया है। औरत और पवित्रता के नाम पर थप्पा लगा दिया है, एक ही झटके में उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ज्योति देवी, क्या आपकी ये हरकत साबित नहीं करती कि आप एक निहायत ही खुदगर्ज औरत हैं? ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस योर ऑनर, क्या यह सच नहीं क्या आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति और बच्चे को दांव पर लगा दिया, यहां तक कि उस दहलीज को भी पार कर गई जिसके बाद औरत पत्नी नहीं बदनामी का दाग कहलाने लगती है? ऑब्जेक्शन सर। एंड आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन सर। ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर वकील साहबा मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछालने का हक रखती हैं, तो मैं भी इस औरत को बेनकाब करने का हक रखता हूं। हां तो ज्योति देवी, तो फिर ये शौक तो ना हुआ, एक प्रोफेशन बन गया, एक जरिया बन गया। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि आप अपनी आवाज बेचती हैं। मेरा मतलब है कि जिस तरह एक दुकानदार सौदा बेचता है, या बदनाम औरतें अपना जिस्म बेचती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहब को यह मालूम होना चाहिए कि आवाज बेचने और जिस्म बेचने में बहुत फर्क होता है। अरे भाई, आप खफा क्यों होते हैं? मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। शुक्रिया। हां तो ज्योति देवी, आपके पेशे में आपका वास्ता यकीनन मर्दों से भी पड़ता होगा, मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह से। पूछ सकता हूं कि कितने मर्दों के साथ आपका करीबी ताल्लुक रहा है? मेरा मतलब है कि जिसे आप लोग अपनी जुबान में रोमांस कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी को चाहा है। ना 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 ना, आप भूल रही हैं, एक नाम और भी है, म्यूजिक डायरेक्टर हरीश शाह का, जिसने आपके इश्क में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस खुदकुशी की वजह मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी नफरत थी। आई सी। और उस संगीतकार के बारे में आपको क्या कहना है जिसके 5 गानों के लिए आपने पैसे ही नहीं लिए? वहां भी मोहब्बत नहीं, एक गिरते हुए इंसान को
सहारा देने की कोशिश थी। लोगों को सहारा देने का बहुत शौक है आपको, और शायद इसी शौक ने आपको घर की चार दीवारी से निकलकर सेठों के बंगलों की जीनत बनने पर मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने घर का चिराग बनने के बजाय महफिलों की क्षमा बनना पसंद किया। कौन नहीं जानता जिस पेशे से आपका ताल्लुक है वहां दिन सोते हैं और रातें जागती है, संगीत की महफिलें सजती है, नाच गाना चलता है, रंग रलियां मनाई जाती है, और इन महफिलों में मर्द अपने होश गवाकर औरत की इज्जत को एक खिलौने से ज्यादा नहीं समझते। मैं पूछता हूं क्या यही भविष्य पसंद किया है आपने अपने बच्चे के लिए? क्या यही गंदा माहौल दिखाना चाहती है उस मासूम के जहन को? क्या यही बदनामी का दाग सजाना चाहती है उस बच्चे के चेहरे पर? आपने एक तंग गली से रोशन बंगले तक जो सफर तय किया है उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है ज्योति देवी, बहुत कुछ। जमीर, एहसास, दिल, यहां तक कि जिस्म की खूबसूरती को भी दांव पे लगा देना पड़ता है। मेरे नजदीक शोहरत और चमक दमक में लिपटी हुई आपकी काया किसी जलील और बदनाम औरत से कतई कम नहीं। बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए, बस कीजिए। योर ऑनर, मुझे नहीं मालूम था कि एक को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे पर इतना कीचड़ उछालना पड़ता है। मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीज ज्योति की इज्जत है, जिसे मैं रुस्वा होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अदालत आपके जज्बे की कदर करती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके विवाद के कहने से आपके केस पर क्या असर पड़ सकता है। जानता हूं योर ऑनर, मगर मैंने पहले इन्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं, अब इनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहता। तो आप बच्चे को ज्योति देवी के हवाले करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं सर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ठीक है, अदालत आपको 15 दिन का वक्त देती। थैंक यू सर। इस घर की सारी रौनक उसी से है बेटा, अगर वो चला गया तो ये घर सूना हो जाएगा। हाँ मौसी, घर तो सूना हो जाएगा, लेकिन माँ का प्यार मिलने से लकी के दिल के घाव तो भर जाएंगे। लकी को बाप की जरूरत है, तेरा प्यार उसके लिए काफी है। उसे रोक ले बेटा, रोक ले उसे। कैसे रोक लूं मौसी? फिर तुम्हें तो बहुत तंग करता था ना? हाँ, यही गम खाए जा रहा है मुझे। वो चला गया तो कौन लड़ेगा मुझसे, कौन मनाएगा मुझे? ये घर घर नहीं रहेगा बेटे, घर नहीं रहेगा। मुझे बता रही हो मौसी, जिसकी जिंदगी की तमाम खुशियां लक्की में सिमट कर रह गई थी, उसकी शक्ल ना देखूं तो मेरी सुबह नहीं होती, उसे सीने से लगाऊं तो मैं रात को सो नहीं सकता, और जब वो पापा पापा कहता है तो मैं तो रो भी नहीं सकता। तुम्हारी पैसे की हवस ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया, मेरी खुशियों मेरे अरमानों का गला घोंट दिया है तुमने, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी वजह से तेरी जिंदगी नरक नहीं स्वर्ग बनी है। आज मेरी ही वजह से तू इस दौलत और शरत के मालिक है। हर तरफ तेरे नाम का डंका बजता है, जिधर जाती है हल तालियों से गूंज उठते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद को विशाल के बराबर बना लूंगी। और सुनो, आज से मैंने गाना भी छोड़ दिया है। ज्योति, अब तुम्हारी सोने चांदी की जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती। माँ, मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपने विशाल के पास जा रही हूँ। सुना ज्योति? हीरा, हीरा, हाथ मारो मेरे हीरा को। आ,
तेरा घोड़ा नहीं मेरा घोड़ा है। तेरे बाप को पूरे 10,000 रुपए दिए हैं बच्चे, तेरा बाप इसे बेच गया है समझा, चल भाग यहां से। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। ज्योति देवी आप केस जीतने के बाद एक हारे हुए वकील के पास आने की वजह? उन्हें जेल हो गई है वकील साहब। जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आज उसे जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात ने उसे तोड़ दिया है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है। जो इंसान खुदकुशी करने पर आमादा हो उसे मेरे जैसा वकील भी नहीं बचा सकता। यकीन मानिए वकील साहब, वो ऐसे नहीं थे। कामयाबी और शोहरत उनके कदम चूमती थी। एक बार वो जेल से निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा, एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा, एक बेटे को उसका बाप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं वकील साहब, इनकार मत करिएगा। मैं जानता था आप जरूर आएंगे, मेरी वजह से आप जिंदगी में पहली बार केस हार गए, मेरी वजह से आपके नाम और शोहरत पर धब्बा लग गया। क्या करता, मजबूर था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक केस में हार गया लेकिन दूसरा जीतना चाहता हूं। इस वकालतनामे पर साइन कर दो, हाई कोर्ट में अपील करके तुम्हें यहां से मैं छुड़ा लूंगा। मैं जानता हूं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज मैं आपकी फीस देने के काबिल नहीं रहा। मुझे फीस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं कहते कि फीस आपको मिल चुकी है? ज्योति ने भेजा ना आपको? उस औरत ने भेजा है जिसकी इज्जत तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। उस औरत ने भेजा है जो केस जीत कर बिहार गई है। उसे सिर्फ बेटा ही नहीं पति भी चाहिए, उसकी रिहाई चाहिए। आपको फिर से एक बार मायूस होना पड़ेगा। जिसकी जिंदगी कैद हो चुकी हो उसे रिहाई कैसे मिल सकती? ये सजा तो मुझे काटनी ही होगी। देखो विशाल, अगर तुम जिद करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। डॉक्टर और वकील अपने मरीज या क्लाइंट से पूछकर उसका इलाज नहीं करते। आप समझते क्यों नहीं है, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। इलाज है, मैं साथ लेकर आया हूं। लो पूछ लो अपने बेटे से, किसी भी हालत में ये ज्योति के पास रहने को तैयार नहीं। तुम यहां जेल में रहोगे तो इस मासूम को क्या अनाथ आश्रम में रखोगे? हेलो पापा। हेलो बेटे। पापा, घर चलो पापा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे पापा ने जुर्म किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। पापा मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, यहाँ बुरे लोग रहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो पापा। देखो अब तुम्हें ज्योति आंटी के यहाँ रहना होगा या अंकल तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। नहीं पापा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और फिर ज्योति आंटी तो मुझे तुमसे छीनना चाहती है, याद है एक दिन तुम्हें तो कहा था। देखो बेटा जिद मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आज तक मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया तुमने? नहीं पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने से दूर मत करो पापा, प्लीज पापा। देखो बेटे तुम्हें वहां जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ तू जाएगा वहां।
मैं नहीं जाऊंगा। पापा। क्या पापा पापा की रट लगा रखी है? क्या मिल जाएगा तुझे मेरे साथ रहकर? कुछ नहीं दे सकता मैं तुझे। तेरा पापा नाकाम इंसान है जो तुझे प्यार के सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। तू मेरे जैसा बनना चाहता है? बोल, मेरे जैसा बनना चाहता है? मैं तंग आ चुका तुझसे, मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं तंग आ चुका मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं बहुत थक गया हूं बेटे, बहुत थक गया हूं। मत रो पापा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तू पहले क्यों नहीं मानी मेरी बात? गलती हो गई तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी पापा। क्या For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.